नवरात्रि का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में हर साल मनाया जाता है। उनमें भी खास करके गुजरात जैसे प्रदेश में नवरात्रि को विशेष महत्व दिया जाता है, जहाँ पे पूरे 9 दिन तक बड़े धूमधाम से गरबा और डांडिया खेला जाता है। पर हम में से अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती, भारत में नवरात्रि का क्या महत्व रहा है, तो आज हम इन्हीं बात पर चर्चा करेंगे। दरअसल विक्रम संवत के आश्विन महीने में आने वाले नवरात्रि के त्यौहार के लिए एक पौराणिक कथा प्रचलित है। महिषासुर नाम का एक राक्षस अपनी आसुरी शक्ति के प्रभाव से अति बलशाली बना था। हमारे मन में राक्षस के लिए एक भ्रांत कल्पना होती है, जैसे कि राक्षस यानी जिनके बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, लंबे बाल और बड़ी बड़ी आंखों वाला भयंकर स्वरूप। पर सही मायने में राक्षस यानी खाओ पियो और ऐश करो जैसी स्वार्थी वृत्ति रखने वाला, अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाने वाला, और महिषासुर उनमें से एक था। महिष यानी सांड, इस प्रकार सांड जैसी वृत्ति रखने वाला असुर यानी महिषासुर। महिषासुर ने अपनी ताकत के बलबूते पे देवताओं और मनुष्य को त्राहिमाम कर दिया था। उनकी आसुरी वृत्ति के कारण देवी विचार रखने वाले सभी लोग भयग्रस्त बने थे। उनकी आसुरी शक्ति के आगे हिम्मत हार चुके देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उपासना की। देवताओं की ऐसी करुण प्रार्थना से प्रसन्न हुए इन आद्य देवताओं को महिषासुर पर अति क्रोध आया और उन्होंने देवी शक्ति का निर्माण किया। सभी देवताओं ने उनका जय जयकार किया और उनका पूजन किया। इसी देवी शक्ति ने महिषासुर के साथ 9 दिन तक लगातार युद्ध किया और अंत में महिषासुर को मार गिराया। इस प्रकार आसुरी शक्ति को हरा के देवी संपत्ति की पुनःस्थापना की और देवताओं को अभय दिया। ये देवी शक्ति यानी माँ जगदम्बा 9 दिन तक चले इस युद्ध की ही याद में नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। 9 दिनों तक अखंड दिए जला के पूजा करके शक्ति प्राप्त करने के दिन यानी नवरात्रि के दिन। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।